मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा स्क्रीन के सामने आपकी बुक दिख रही है, ये कोडोवा पब्लिकेशन की नव भारती हिंदी पाठमाला कक्षा 5 की बुक है। बेटा इस बुक में हमने क्या पढ़ा, कविता पढ़ा, इतने अच्छे बनो, है ना। आप लोग ने, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कविता याद करके भी सुनाई है, बहुत अच्छी बात है। इसके लेखक हैं, इसके कवि हैं श्री प्रकाश मनु। और यह कविता में क्या संदेश देती है, हमें प्रकृति से मिली सीखों को अपनाना चाहिए। बेटा हमने इसका कॉपी वर्क कर लिया है, है ना। कॉपी वर्क में हमारे पाठ्य वस्तु में क्या क्या था भाई, कठिन शब्द था, शब्दार्थ, ठीक है। और क्या था, कठिन शब्द, शब्दार्थ, और क्या था भाई, प्रश्नोत्तर, है ना। तो अभी प्रश्नोत्तर को मैंने नहीं कराया, अभी मैं बुक वर्क करा रही हूँ, ठीक है। तो बुक वर्क देखिए, तो बुक वर्क में पहले कौन कौन सा पेज है, 10, 11 और 12, 10, 11, 12, ये पेज नंबर 10 है। इसमें क्या बोल, क्या लिखा हुआ है, दी गई कविता की पंक्ति पूरी करना है हमको, है ना। इतना मीठा डैश की पंचम स्वर, तो इतना मीठा बोलो जैसे कोयल का है पंचम स्वर। मन इतना डैश अंबर, है ना, तो मन इतना फैला फैला हो जैसे यह नीला अंबर, ठीक है। दूसरा वाला देखिए, दिए गए प्रश्नों के कुछ प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखना है, वन वर्ड आंसर है बेटा, हमको एक शब्द में उत्तर लिखना है, ठीक है। क वाला, पेड़ की तरह क्या करने के लिए कहा गया है, पेड़ की तरह क्या करने के लिए कहा गया है, ऊंचा उठने के लिए कहा गया है। ख वाला, मन को कवि ने किसके जैसे बनाने के लिए कहा है, किसके जैसे बनाने के लिए कहा है, झरने की तरह, किसके जैसे, झरने की तरह बनाने के लिए कहा है, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग वाला, हमें किसकी तरह मीठा बोलना चाहिए, कोयल की तरह मीठा बोलना चाहिए। घ वाला, इस कविता, यह कविता किसने लिखी है, तो अपन जानते हैं श्री प्रकाश मनु जी ने लिखी है। फिर आगे आएंगे बेटा, भाषा की दुनिया में समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द, है ना। तो देखते हैं, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी को क्या बोलते हैं, धरती, धरा, है ना। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों में राइट का निशान, सही का निशान लगाइए। जैसे पहला वाला आकाश, आकाश को नभ कहते हैं, सही है। अंबर भी कहते हैं, सही है। मेघ नहीं कहते हैं, मेघ बादल को कहते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं, धरती, धरती पृथ्वी कहते हैं क्या, सही है। समीर कहते हैं क्या, समीर मतलब हवा, नहीं कहते हैं, धरा कहते हैं, हाँ राइट लगी है ना उसमें, हाँ। पवन, पवन, पवन मतलब नीर है, सही है कि गलत। नीर मतलब क्या होता है, हवा, हवा कहते हैं, सही है। वायु कहते हैं, सही है, है ना। चलिए कोयल, कोयल को कोकिल कहते हैं क्या, सही है। शशि कहते हैं क्या, नहीं कहते। वसंत दूत कहते हैं, कहते हैं, राइट मारी हूँ, है ना। पेड़, पेड़ को धूप कहते हैं क्या, नहीं कहते। तरु कहते हैं क्या, हाँ। वृक्ष कहते हैं क्या, हाँ। तो आप दिए गए शब्दों की आपने क्या लिखा है, पर्यायवाची शब्द पर आपने निशान लगाया है। दूसरा वाला देखते हैं, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध होता है, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, जैसे फौज, फौज मतलब सिर्फ एक के एक वचन है, ये फौजें बहुत सारी हैं, बहुवचन। रोटी, एक रोटी के बारे में बोला जा रहा है, रोटियां, बहुत सारी रोटियों के बारे में बोला जा रहा है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 12, है ना। अब आप नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए, तो चट्टान का क्या हो जाएगा, चट्टाने, झरना, झरने, अच्छा, अच्छे, कली, कलियां, हवा, हवाएं, कविता, कविताएं,
ठीक है बेटा, चलिए उल्टे अर्थ बताने वाले नंबर 3। उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे रात दिन पाप, रात का उल्टा दिन हो जाएगा और पाप का उल्टा पुण्य हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या बोलते हैं, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द वर्ग पहेली में से ढूंढकर लिखिए। ये वर्ग पहेली दिया हुआ, देखो यहाँ पे क्या बना, आसमान, पराया, बुरा, मुरझाना, कठोर, कड़वा, रोना, नीचा, है ना। तो चलिए, ऊंचा का विलोम क्या हो जाएगा, नीचा, कोमल का कठोर, मीठा का कड़वा, धरती का आसमान, रोना हंसना, रोना खिलना, मुरझाना, अपना पराया, अच्छा बुरा, ठीक है बेटा। और ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसे आप लोग होमवर्क करेंगे, अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और होमवर्क को करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।